बाइक चला रहे हो और पीछे से कोई कार आ रही है या फिर कोई ट्रक आ रहा है, उसकी लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है तो वो हमारी डायरेक्ट आंखों में पड़ती है ना। एंटी ग्लेयर क्या होता है, जो ग्लेयर होती है ना यानी कि चमक, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आप तक आने नहीं देता, लेकिन आपको सिर्फ विजन दिखाता है वो। किसी ने बाइक मॉडिफाई करा रखी है तो उसको वो कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, वो ये वाली लगा सकता है, विद डूम मिल रही है कुछ इस टाइप की, आपको LED लाइटें दिखेगी, रेडी टू फिट आइटम है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अंदर ये रॉयल जो लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड के अंदर, ये LED लाइट लगती है। सेम ऐसी लाइट क्लासिक की भी होती है जिसके वीडियोस मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं, जिस लाइट में ये वाले स्क्रूज लगे होंगे, ये स्क्रूज वाला जो डिजाइन होता है, ये अगर लगा होगा तो थंडरबर्ड में नहीं लगेगी। जो लोगों के पास एवेंजर्स है ना उनके लिए भी है, देखो LED हेडलाइट है, चटक जाता है ये, क्रैक भी जाता है जब बारिश होती है, सर्दी से गर्मी होती है, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना ये चटक जाएगा, लेकिन ये वाला प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, ये इतनी जल्दी चटकेगा नहीं और बहुत ही सॉलिड फील है। एक बार इसको भी ऑन करके दिखाओ, जरूरतमंद लोगों को चैरिटी में वो हम लोग देंगे, और ये जो काम है ना ये ऊपर वाले की डायरेक्ट नजरों में आते हो फिर आप, अगर आप ऐसा काम करते हो तो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। लाइट्स की बहुत मांग है मार्केट में, लाइट्स लोग पूछते हैं कि सौरभ भाई बताओ कि लाइट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कितने ऑप्शंस हैं, और सेम दिखने वाली लाइट्स कुछ लोग 1000 रुपए की भी दे रहे हैं और कुछ लोग 2000 की भी दे रहे हैं, 3000 की भी दे रहे हैं, तो आज उसी पे बात करेंगे। और ये बुलेट की लाइट्स भी हैं, रॉयल इनफील्ड की लाइट्स हैं और आपकी अदर बाइक्स की लाइट्स भी हैं, सेम जैसी दिखने वाली लेकिन क्वालिटी के अंदर फर्क वो कोई नहीं बताएगा, उस बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे है और कौन कौन सी चिप्स होती हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, किस तरीके के लेंस होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रॉयल इनफील्ड की 7 इंच की लाइट से। मेरे सामने देखो कितनी सारी रेंज है, और ये रेंज जो है ना ये सस्ते से लेके महंगे तक है, जो बाइक के लवर्स हैं एक्चुअल ट्रू लवर्स उनके लिए भी है, और जो लोग किफ़ायती सामान चाहते हैं जो कि बहुत सस्ता सामान चाहते हैं उनके लिए भी है। ये देखो ये वो है लाइट जो मैंने ओसराम की लगाई थी अपनी बाइक में, और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, मेरे को मज़ा आया अभी तक इसको यूज़ करने में, लेकिन ये है महंगी। तो आज हम बात करेंगे बहुत सस्ती लाइट से लेके बहुत महंगी लाइट तक क्या डिफरेंस है और ये क्यों इतने ज़्यादा इसके अंदर रेट के फ्लक्चुएशन है। भाई ये जो जैसे ये लाइट है ये फुल रिंग, लोग इसको बहुत सस्ता भी बेच रहे हैं और कुछ लोग इसको थोड़ा सा पैसे बढ़ा के भी बेचते हैं, तो इसके अंदर फर्क क्या है? देखो सौरभ भाई, बेसिकली ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। हाँ। सबसे पहले तो हो गया है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हाँ। पहले क्या होता था, पीछे की जो हाउसिंग होती थी वो काफी हैवी मोटी होती थी, ग्लास की क्वालिटी फिनिशिंग, अब वो सारी चीजें हल्की हो गई है टाइम के साथ, तो उसके अंदर जो LED की जो एक थ्रो है ना वो ढंग से आता नहीं है, वॉट भी कम हो गया। तो ये चीजें डिपेंड है, मार्केट में सारी वैरायटी आजकल चल रही है, हल्की भी, मीडियम भी और हैवी भी, तो मैं ये तीनों चीजें लेके आपके सामने हूँ। लोग कहते हैं कि भैया जो आपके पास ये वाली लाइट है ना, ऐसी जलने वाली लाइट सामने वाला बंदा भी दे रहा है लेकिन वो आपसे जो है 200 रुपए कम दे रहा है, तो उसके अंदर वो क्या चीज करते हैं लोग और क्या करते हैं? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर हमारे पास जैसे कोई वॉकिंग कस्टमर आता है तो हम उसको डिफरेंस दिखाते हैं जलाकर, कि उसकी रिंग जो है ये आउटर रिंग है, इसके अंदर लाइट कैसी है, हल्की LED लगी होगी तो वो सारी वहीं से कॉस्ट बचती है, एग्जैक्टली इसीलिए वो सस्ती हो जाती है। एग्जैक्टली, तो मैं आपको ये सारी चीजें जलाकर दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस देख लोगे कि कैसा डिफरेंस है। अच्छा चलो, अब अगर देखते रहे हैं, ये वाला सबसे वो डिजाइन है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, फुल रिंग, ठीक है ना, और सबसे सस्ता भी मिला था। इसका एक्चुअल वेरिएंट जो है जो कि US में यूज होता है वो बहुत महंगा है, अराउंड वो 7-8 हजार रुपए का है, लेकिन यहाँ पे ये 1000-1200 रुपए का भी है, बिल्कुल है ना। तो हमारे पास में कितनी है जो 7 इंचेस की है जो की थार में और रॉयल एनफील्ड के अंदर लग सकती है? ये आप जितना भी देख रहे हो लाइट से जो लगी हुई है ये सारी थार के लिए ही है, और सारी 7 इंचेस है। हाँ। और 7 इंचेस बुलेट 7 इंच की है, और जो थार है वो भी 7 इंच की है, वो सब में दोनों में कंफर्टेबल है। हाँ, तो मतलब अगर इसको थार में लगाना है थार में लगा लो, क्योंकि थार में मेरे ख्याल से कोई बंदा इतनी सस्ती वाली लाइट तो लगाएगा नहीं, वो बंदा हमेशा वो लगाएगा जिसके अंदर फ्लिप्स की चिप्स यूज हुई है या ओसराम की चिप्स यूज हुई है। थार वालों के लिए हम ये वाला सेगमेंट लेकर आया है जिसके अंदर ओसराम की चिप, फिलिप्स की चिप इनबिल्ड है, और उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप 4-5 साल थक जाओगे लाइट से, लेकिन आप खराब नहीं होगे लाइट आपकी। LED के अंदर खासियत ये है कि उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और वो खराब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई नॉर्मल बल्ब नहीं होता, वो LED होती है। LED की साइंस में काफी बारी समझा चुका हूँ, मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल अब यहाँ से भाई स्टार्ट करते हैं, सस्ते से लेके एंड तक बताओ कि इनका क्या कस्टमर रिस्पॉन्स है, कैसे ये लाइट यूज होती है और इसको लगाने में या इसको पूरा, मतलब आप जब बाइक पे हम लोग लगा लेते हैं तो फिटिंग के अंदर ज्यादा कॉस्ट आता है कम कॉस्ट आता है, तो हम इन सारी लाइट्स को ना 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक लो, मिड और हाई। तो आप सबसे पहले लो से स्टार्ट करो। लो देखो, आप यहाँ से चलोगे 19 नंबर 18 नंबर हम रिवर्स चल रहे हैं। हाँ। ठीक है,
1918, 1917, 1915, ये जो है ये लो कैटेगरी की है। जैसे कस्टमर आके बोलता है भैया लाइट बहुत सस्ती हो गई है, मुझे 1000 की मिल रही है, 1200 की मिल रही है, तो हमने उनके लिए प्रोडक्ट रखा हुआ है। जब हम डिफरेंस दिखाते हैं तो वहीं से डिफरेंस का पता चल जाता है कस्टमर को कि हाँ ये किस रेट में ये क्वालिटी मिल रही है। अच्छा, ये जो लोअर सेगमेंट की लाइट्स है इसका कस्टमर रिस्पांस कैसा है, मतलब जब आपने कस्टमर को लगाई है लाइट तो फिर उसको मतलब उसने क्या आगे रिव्यू दिया? देखो ये उन कस्टमर्स के लिए है जो आगे बोलते हैं कि हमें सस्ती चाहिए। हाँ, तो सस्ती है तो ऑब्वियसली वो चीज इसमें इम्पैक्ट नहीं है जो एक मीडियम और हेवी के अंदर है। हाँ, तो हम जैसे कस्टमर का टेस्ट है जो सस्ता मांगता है उसको हम सस्ती दे देते हैं। अच्छा, और हम अपनी प्राइस रेंज बता देते हैं कि ये सस्ती की ये प्राइस रेंज है, मीडियम की ये है और हेवी की ये है। मतलब ये कि सस्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको लाइट थोड़ी सी कम मिलेगी। और इसलिए जो वॉट है वो वॉट डिपेंड करता है, ये सस्ते के अंदर आपको 20 से 25 30 वॉट मैक्सिमम मिल सकती है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगी। लोग बोल देते हैं 45 वॉट से, जो कि गलत है। अच्छा दोस्तों देखो, ये है फुल रिंग लाइट, ठीक है, ये वाली भी फुल रिंग है और ये वाली भी फुल रिंग है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको बंदा क्या क्या बोलता है, जब कोई आप ये वाली लाइट देखते हो जो हाई पावर की लाइट होती है, देखो क्वालिटी देख रहे हो मेरे हाथ में कितनी सही है, डॉट सेफ लाइट है ये, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि भैया आपको ये वाली लाइट मिलेगी, लेकिन लोग चिपका देते हैं मार्केट के अंदर ये बोल के कि भैया वही है फुल रिंग लाइट है और हमारे पास सस्ती मिल रही है, देखो हमारे कितने अच्छे रेट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, रेट का फ्लक्चुएशन इस वजह से होता है कि ये किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और इनके अंदर कौन सी चिप्स यूज हुई हुई है, किस तरीके का लेंस यूज हुआ हुआ है। मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया भी है जिसके अंदर मैंने खोल के दिखाई है ये लाइट्स कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आपको लाइट जला के दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे सबसे लोएस्ट वेरिएंट की, फिर मिड वेरिएंट की, फिर सबसे हाईएस्ट वेरिएंट की। इसके अंदर वोल्टेज का भी फर्क है और लाइट का, एलईडी का, लेंसेस का और इसकी अलाइनमेंट का और टेक्नोलॉजी का भी फर्क है। तो सबसे पहले हम ये जलाते हैं। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है, ये इसकी हाई बीम है, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ मैं एक बारी वॉल पे, तो कुछ खास नहीं है लेकिन ये लोअर वेरिएंट है। अब देखते हैं मिड वेरिएंट। ये देखो सेम दिखने वाली ही लाइट है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में, बिल्ड क्वालिटी में और जो एलईडी चिप्स हैं वो थोड़ी सी इनहेंस होती हैं, वोल्टेज ज़्यादा होती है। तो इसको एक बारी ऑन करके देखते हैं। ये देखो मैं एक बारी वॉल पर दिखाता हूँ, ये इसकी हाई बीम है और ये इसकी है लो बीम। ये 45 वॉट्स में एक्चुअल में आती है और ये मैं आपको इसकी रिंग दे, ये इसकी रिंग है, बहुत ही शानदार शार्प एंड क्लियर। ये मिड सेगमेंट की लाइट है लेकिन तब भी इतनी शार्प एंड क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है। अब देख लेते हैं हायर सेगमेंट की लाइट। हायर सेगमेंट की लाइट देखने से ही आपको पता चल जाएगा। देखो इसके पीछे ये जो हीट सिंक्स दे रखी होती हैं ये ज़्यादा अच्छी दे रखी होती हैं, क्वालिटी होती है प्लास्टिक की क्वालिटी तक होती है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हो ना इसका कवर, इस वाली लाइट में देखोगे जो कि चीपेस्ट लाइट है हमारे पास में, इसका जो ये आगे का प्लास्टिक होता है ना ये चटक जाता है, ये क्रैक भी हो जाता है जब बारिश होती है, सर्दी से गर्मी होती है, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना ये चटक जाएगा। लेकिन ये वाला प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, ये इतनी जल्दी चटकेगा नहीं और बहुत ही सॉलिड फील है। एक बार इसको भी ऑन करके दिखाओ। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी लो बीम है, अगर हम वॉल पे देखें तो ये इसकी हाई बीम, ये इसकी हाई बीम, बहुत ही ज्यादा तेज। तो वही कहावत है कि चाय में जितनी चीनी डालोगे वो उतनी मीठी होगी, तो लोअर से हायर वेरिएंट है। एक बारी मैं और लाइट्स के सेगमेंट दिखा देता हूँ कि लाइट्स में और क्या क्या ऑप्शन आप सबको मिलने वाले हैं। kingindian.in पे आपको ये बहुत जल्दी सारी चीजें अच्छे से मिलेंगी। अभी ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है इन सबका, एक एक लगा के मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जौन सी अच्छी आइटम होगी वो मैं kingindian.in पे लेके आऊंगा। ओके, तो मीडियम रेंज तो हमने दिखा दी है सारी, अब देखते हैं हैवी रेंज। तो हैवी रेंज भाई जरा एक एक करके दिखाओ। हैवी रेंज के अंदर जिसके अंदर ये वॉट भी ज्यादा है और डिजाइन भी डिफरेंट है और जिसके अंदर एलईडी चिप एक्चुअल अच्छी जो पहले आती थी स्टार्टिंग में वो डली हुई है। इसके अंदर ये देखो 10 नंबर, 9 नंबर, ये 16 एलईडी विद रिंग, हाफ कट मून, ये जो बहुत अच्छा डिजाइन चला हुआ था पहले बीच में, 16 एलईडी, 15 एलईडी विद रिंग प्लेन, 21 एलईडी, 6 एलईडी विद रिंग और ये सबसे हेवी हार्ले टाइप। और इन सब की खासियत बता दूं मैं, इन सब में ओसराम की चिप्स लगी हुई है, ओसराम की एलईडी चिप्स होती है, बहुत ही हैवी ड्यूटी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है और मतलब रोड पे उसकी प्रेजेंस होती है, अच्छी खासी लाइट आपको रोड पे दिखेगी, इसलिए वो ओसराम कंपनी क्या होता है। ओसराम एक बारी गूगल पे डाल के देखना, ओसराम लाइट्स, आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। एक्चुअल जो कार की जो बाइक की कंपनी है ना वो भी ओसराम के बल्ब्स यूज करती हैं, वो भी ओसराम का एलईडी सिस्टम यूज करती हैं। अच्छा दोस्तों, जो लोगों के पास एवेंजर्स है ना उनके लिए भी है। देखो
एलईडी हेडलाइट है एवेंजर्स रखने वाले लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास में छोटी हेडलाइट वाली लाइट है, उन लोगों के लिए भी ऐसे करके मॉडल्स मिल जाते हैं। अभी इन पे काम हो रहा है और मॉडल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और kingindian.in पे भी मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्लासिक का बताते हो आप, थंडरबर्ड का बताओ, थंडरबर्ड में कौन सी लाइट लगती है? तो देखो मैं एक पहचान बता देता हूँ, थंडरबर्ड में ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, इसमें से मैक्सिमम लाइट्स लग जाती हैं, उसकी एक पहचान होती है। जिस लाइट में ये वाले स्क्रूज लगे होंगे, ये स्क्रूज वाला जो डिजाइन होता है, ये अगर लगा होगा तो थंडरबर्ड में नहीं लगेगी। जिस लाइट, कौन सी लाइट, ये ऊपर से क्लीन होती है ना, बिल्कुल फिनिश होती है, ये वाली लाइट आपकी थंडरबर्ड में लग जाएगी। तो अब से हम लोग kingindian.in पे जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे कि थंडरबर्ड के लिए भी कैपेबल है, थंडरबर्ड के लिए भी ये कंपेटेबल है, तो आप उसको मंगाइए और अपनी थंडरबर्ड में फिट करा लीजिए। और खुद मत करना, क्योंकि खुद करने से क्या प्रॉब्लम होती है, कभी आप शॉर्ट कर दो या फिर आपसे सही से फिटिंग ना हो पाए तो आप ये सोचोगे कि भाई अब हमने तो ऑनलाइन मंगाई थी और ऑनलाइन में हमें हो गया फ्रॉड। तो ऐसे फ्रॉड ना हो इसलिए अच्छे ट्रेंड मैकेनिक के पास जाओ, अच्छे ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ, उससे अपना काम कराओ, थोड़े से पैसे दे दो यार उसको, क्या आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं और लाइट्स, इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स। तो दोस्तों ये है एडिशनल लाइट्स, ये मैं ऐसी आपको एक बार दिखा रहा हूँ, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, देखो आप पॉज कर करके देख सकते हो कि जौन सा भी आपको ना उसको एक स्क्रीनशॉट मार के आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो हैशटैग डाल के kingindian, तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे। अगर आप कहीं भी रहते हो ना इंडिया में, तो कोई सा भी सामान हो वो पहुँचाना हमारी है, ठीक है। तो और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के भी हैं और काफ़ी हाई पावर भी हैं, लो पावर भी हैं, मिड पावर भी है, हर एक बंदे के लिए, जैसे जैसे लोग होते हैं उन सब के लिए हमारे पास में सारा सामान है। अच्छा दोस्तों, kingindian.in पे आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें भी अभी बहुत जल्दी दिखेंगी। ये देखो ऊपर वाले जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रॉयल एनफील्ड के लिए हैं, हार्ली एरो, और ये ब्लैक में हार्ली, और ये वाइट कलर का जिसमें आपको रिंग मिलेगा। नीचे वाले जो हैं ये स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट के हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब ये अगर मैं दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छा वाला एक डिज़ाइन है, जैसे कि ये एक लैम्बोर्गिनी टाइप डिज़ाइन है, ये भी एक लैम्बोर्गिनी टाइप डिज़ाइन है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी रेंज मैं kingindian.in पे लेके आ सकूं, जो मेरे भाई लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा क्या, मतलब शौकीन वाली जगह चीज़ें, जिस बंदे को शौक होता है ना वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। और एक और बात बताता हूँ, अगर आप शौक में किसी की भलाई करते हो, आपकी बातचीत है, मैंने सोचा था बहुत टाइम पहले कि मैं छोड़ दूं, मैं क्यों चला रहा हूं ये सब कुछ चैरिटी के नाम पे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगा ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो अब मैं और शौकीन लोगों को जमा करूंगा अपने साथ में, और जितने ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनकी हेल्प हो सकेगी वो हम उनके थ्रू इनडायरेक्टली कराएंगे, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी का सामान खरीदेंगे, उसमें का जो बचा हुआ जो प्रॉफिट का पैसा होगा वो हम ज़रूरतमंद लोगों को चैरिटी में वो हम लोग देंगे। और ये जो काम है ना, ये ऊपर वाले की डायरेक्ट नज़रों में आते हो फिर आप, अगर आप ऐसा काम करते हो तो, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं टेल लाइट्स कौन कौन सी हैं। ओके दोस्तों, ये है सारी टेल लाइट्स, ये कस्टम बाइक्स में यूज़ होती हैं, आपको जैसे आपने देखी होंगी, जो भी आपने कस्टम बाइक्स देखी होंगी, तो लोग एक एक लाइट ये वाली लगा लेते हैं। तो ऐसी आइटम तो हम अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें लाने में, लेकिन ये देखो ये बहुत जिसकी मांग है, ये स्टैंडर्ड के अंदर ये LED लाइट लगती है, ठीक है। और सेम ऐसी लाइट क्लासिक की भी होती है जिसके वीडियोस मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं, तो एक बारी मैं ये स्टैंडर्ड की LED लाइट जला के दिखा देता हूँ कि ये कैसी जलती है। जिन लोगों के पास स्टैंडर्ड है वो लोग सोचते हैं कि हमारे लिए तो LED लाइट बनी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी बन चुकी है। ये देखो कुछ इस टाइप की आपको LED लाइटें दिखेगी, रेडी टू फिट आइटम है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अंदर ये रॉयल जो लिखा हुआ है ना, ये बाइक की ना मतलब शानी बना देगा, अगर आपने अपनी स्टैंडर्ड बना रखी है ना अच्छी वाली, आपने वो S वाले रिम्स लगा रखे हैं और फुल बढ़िया वाला स्टैंडर्ड बना रखा है, मज़ा आ जाएगा अगर ये लाइट लगाओगे तो। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ब्रेक लाइट भी है, आप जैसे अपनी हेडलाइट जलाते हो तो एक नॉर्मल लाइट जलेगी, और जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है ये। अरे दोस्तों, लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ये ऐसी वाली कस्टम लाइट्स भी आती हैं, ये जिसके अंदर आपको ये हाउसिंग मिल जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। और आप ये थंडरबर्ड में लगाओ या फिर आप ये किसी और बाइक में लगाओ, या फिर आपने कोई कस्टम बाइक बना रखी है जिसके पीछे कोई बेस नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, बहुत ही मतलब इसकी जो क्लास है पीछे से वो अच्छी दिखने वाली है। ये देखो जो इसका शेप है, और लाइट भी इसके अंदर जो फुल रिंग वाली है वही लगी हुई है। ओके भाई, इस लाइट के बारे में बताओ कि ये किस किस बाइक के साथ में कंपेटेबल है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि सब ने आजकल देख रहे हो कि रॉयल एनफील्ड की ये लाइट ज्यादा चल रही है, तो सब चाहते हैं कि उनकी बाइक में जिसमें नहीं है 7 इंच की जगह वो भी लगाए, तो उनके लिए हम ये लेकर आए हैं विद डूम, ये मेटल बॉडी है और इसके अंदर रिंग लगी हुई है जैसे उसके अंदर है, और उसी लुक के अंदर है ये, और हम ये शॉकर के क्लैंप में फिटिंग करके ऐसे लगा सकते हैं इसको। अच्छा,
अंदर इसमें एलईडी ही लगी हुई। तो मतलब अगर किसी ने बाइक मॉडिफाई करा रखी है तो उसको वो कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, वो ये वाली लगा सकता है, विद डूम मिल रही है ना। बिल्कुल। और फिटिंग भी इसकी अच्छी आएगी और बिल्कुल ऐसी फिटिंग आएगी जैसे कंपनी की फिटिंग होती है। बिल्कुल पीछे से बहुत बहुत अच्छी फिटिंग। चलो अब अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं और कस्टम बाइक की बात कर रहे हैं तो देखो ये एक फॉग लैंप है जो बहुत ज्यादा दिलदार लोग है ना वो इतने बड़े फॉग लैंप इतने हैवी वाले फॉग लैंप लगाते हैं और इसको थार में भी लगा सकते हो आप। आगे जहाँ पे आपका वो होता है ना मतलब जो हुड होता है उसके आगे जो जगह होती है वहां पे आप इसको लगा सकते हो। स्लिम है डिजाइन, अच्छा डिजाइन है और इसकी जो DRL है ये भी बहुत क्लियर जलती है और लाइट भी काफी अच्छी है इसकी। एक बार मैं इसको जला के दिखा देता हूँ। ओके अब इसको जला के देखते हैं और सबसे पहले जलाते हैं इसका DRL। ये इसका DRL है बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग और ये ब्लू कलर के जो इसमें ये लिप्स बने हुए ना बड़े प्यारे से लग रहे हैं। अच्छा अब इसकी मेन लाइट ऑन करना। ओह शिट ये तो बहुत तेज है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा 110 वाट है। इसकी मेन लाइट तो बहुत तेज है बहुत अच्छी भी है। तो ये उन शौकीन लोगों के लिए जो एक्चुअल में राइडिंग बाइकिंग या कार के लवर हैं लेकिन शौक की ज्यादा बड़े शौक की ज्यादा बड़ी कीमत होती है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट है। अगर मैं इसको kingindian.in पर लिस्ट करूंगा तो आपको वहां पे इसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी। अरे दोस्तों उसके बाद है हमारे पास में ये स्लाइडर्स। ये जो स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की जो बाइक्स होती हैं जो स्ट्रीट बाइक्स होती हैं परफॉर्म बाइक्स होती हैं उसके अंदर ये स्लाइडर्स लगते हैं। जैसे टक्कर हो जाए इम्पैक्ट ये झेलेगा और अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा बजाय कि आपकी बॉडी की शैसी को या फिर और चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपको भी सेफ करेगा कहीं ना कहीं। अच्छा kingindian.in पे जो सबसे फेमस चीज़ आने वाली है वो है ये वाले मिरर्स और ये बहुत ही खूबसूरत अलग अलग डिज़ाइन के मिरर्स हैं। या बुलेट में भी ला सकते हो और चाहो तो आप किसी और में भी ला सकते हो। और सबसे अच्छा अगर बुलेट के लिए मैं बताऊं तो ये वाला डिज़ाइन है छोटा छोटा राउंडेड। ये मैं एक लगा के भी आपको दिखा दूंगा कि ये कैसा लगता है। शॉर्ट डिज़ाइन है और जो उसका लेंस है वो एंटी ग्लेयर लेंस है। मतलब इसके अंदर ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हमने सिर्फ ये साइड मिरर्स जो हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो लेंस आप देख रहे हो ना ये एंटी ग्लेयर लेंस है। एंटी ग्लेयर का मतलब होता है जब आप बाइक चला रहे हो और पीछे से कोई कार आ रही है या फिर कोई ट्रक आ रहा है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वो हमारी डायरेक्ट आंखों में पड़ती है ना। एंटी ग्लेयर क्या होता है, जो ग्लेयर होती है ना यानी कि चमक, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आप तक आने नहीं देता लेकिन आपको सिर्फ विजन दिखाता है वो। तो ये बहुत ही अच्छी आइटम होती है। आजकल तो चश्मे के अंदर भी एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे बाइक के मिरर्स के अंदर क्यों ना हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो ग्लास है हल्का सा ब्लू है, ये एंटी ग्लेयर है इसलिए इसका ग्लास हल्का सा ब्लू है, वरना जो स्टॉक जो मिरर्स आते हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी शान भी बन जाती है, थोड़ी सी शो भी बन जाती है और एंटी ग्लेयर है तो एंटी ग्लेयर तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ रात को तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो सेंटर वाला रेयर व्यू मिरर होता है ना उसमें से फ्लैश आती है आंखों में, तो मैं उसको हमेशा ऊपर की तरफ ही करके रखता हूँ, मतलब उसको डाउन करके रखता हूँ। वही कंपनी अगर जैसे बड़ी कंपनीज भी अगर ऐसी चीज़ें सोच ले कि एंटी ग्लेयर देंगे आज से सारे ग्लास तो फिर हमें वो चमक पड़ने वाली प्रॉब्लम ही नहीं होती। उससे ना काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। आप समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो बाइक चला रहे हो एकदम से पीछे ट्रक आता है और आपकी आंखों में लाइट लगती है आपको तो आगे का कुछ दिखेगा नहीं, तो उसी चीज़ के लिए ये वाली आइटम्स हैं। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सारा CNC मेड है, सारा मशीन से बना हुआ एल्यूमिनियम पार्ट है। ये देखो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग। तो चलो इसी के साथ ही मस्ती में रहो, अच्छे से रहो और अच्छे से काम करते रहो। कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।